काम ओवर स्मार्ट पर मेरे कुछ में भी रोक रहे हो, ये कोई चक्कर नहीं है। NA120 का तगड़ा जोड़ कौन करेगा लाहौर पर राज, फैसला होगा आज। कारकुनों के साथ साथ सियासी रहनुमा भी इन एक्शन। कई रहनुमाओं को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से रोक दिया गया। नून लीग के रहनुमा बिलाल यासीन पोलिंग स्टेशन 62 पर वोट कास्ट करने आए तो पुलिस के साथ तू तकरार हो गई। सूबाई वजीर भी पुलिस अहलकार को आड़े हाथों लेते हुए बोले, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो, तुम्हारा अख्तियार ही नहीं कि तुम मुझे रोको। ओवर स्मार्ट पर कुछ में भी रोक रहे हो, ये कोई चक्कर नहीं है। पीटीआई की उम्मीदवार यास्मीन राशिद के भी पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने की इब्तदाई एंट्री नाकाम रही। सिक्योरिटी अहलकारों से बहस के बाद यास्मीन राशिद पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने में कामयाब हुई। जमात इस्लामी के रहनुमा एडवोकेट जियाउद्दीन अंसारी और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार शेख अजहर को भी पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से रोका गया। दूसरी जानिब धांधली की शिकायत का सिलसिला भी चल दौड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन प्लानिंग के तहत धांधली करवा रहा है। पोलिंग एजेंट्स हैं उनको ये कहकर बाहर निकाला गया है आज की आपके पास यूनियन काउंसिल्स के सर्टिफिकेट्स नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ये रूल्स हैं कि पोलिंग एजेंट के पास सिर्फ और सिर्फ जो कैंडिडेट है उसका लेटर ऑफ अथॉरिटी होना काफ़ी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो एक जानबदार और नवाज शरीफ की जेब में रखा हुआ एक अदारा है, ये खुलेआम नंगी धांधली कर रहे हैं। लीगी रहनुमा परवेज मलिक शिकायत का इंदराज करवाने सुबह इलेक्शन कमीशन पहुंचे।